इंडोनेशियाई द्वीप जावा में शनिवार को 2:30 बजे के करीब एक ज्वालामुखी में हुए धमाके के बाद आसपास के इलाकों में राख और धुएं का गुबार फैल गया। स्थानीय लोगों के मुताबिक राख देखते ही देखते दो जिलों को अपनी चपेट में ले चुकी है। बता दें, ज्वालामुखी के कारण अब तक एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है जबकि 41 लोग घायल हुए हैं। संख्या अभी और भी बढ़ सकती है। ज्वालामुखी पिछले एक महीने के अंदर 2 बार फट चुका है। विस्फोट के बाद स्थानीय लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। विमान सेवाओं को भी अलर्ट जारी किया गया है।